कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है, चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। कांग्रेस ने अब तक 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। एक विधानसभा सीट पर नाम घोषित करना बाकी है। जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा को टिकट मिला है, मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है, पांवटा साहिब से किन्नेश जेक को यहां पर टिकट मिला है और किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट यहां पर कांग्रेस ने दिया है। तो चार सीटों पर ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने, तीसरी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी हो गई है और एक सीट पर अभी भी मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने अपने तीसरे लिस्ट में कर दी है। हिमाचल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है, मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है और किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, किन्नौर से जगत सिंह नेगी प्रत्याशी होंगे। चार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है हिमाचल कांग्रेस की तरफ से, ये तीसरी लिस्ट जारी की गई है। हिमाचल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक 67 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 68 विधानसभा सीट वाले कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अब 67 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है। चार सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी का नाम जो है वो घोषित कर दिया है। तीसरी लिस्ट है ये कांग्रेस की और जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को टिकट यहाँ पर कांग्रेस ने दिया है, किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट दिया गया है। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ये चार प्रत्याशी हैं, कुल मिलाकर अब 67 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, अब किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं और एक वो कौन सी सीट है जहाँ पर अभी भी मंथन जारी है? बिल्कुल राजश्री, देखिए 5 सीटों को होल्ड किया गया था और उन पर मंथन लगातार हो रहा था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने जब तीसरी सूची जारी की तो उसमें केवल 4 सीटों पर ही नाम तय हो पाए और उनकी सूची जारी की गई है। हालांकि एक सीट हमीरपुर है, हमीरपुर सदर, यहां से अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है, इस पर पेच फंसा हुआ है और चर्चा का दौर इस वक्त चला हुआ है। और उसके साथ साथ जो 4 सीटें हैं जिसमें खासतौर पर मनाली की बात करें, इसको भी होल्ड किया गया था। भुवनेश्वर गौड़ को यहाँ से टिकट दिया गया है, ये पूर्व में भी यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं 2012 में, लेकिन 2017 में यहाँ से हरचंद शर्मा को टिकट दिया गया था और इस बार यहाँ पर फिर से भुवनेश्वर गौड़ पर भरोसा जताया गया है, इन्हें टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री जो है राजकिशन गौड़ के बेटे हैं भुवनेश्वर गौड़, तो उन पर यह भरोसा जताया गया है। ठीक इसी तरह से अगर जयसिंहपुर की बात करें तो यादविंदर गोमा पर भरोसा यहाँ जताया गया है, 2017 में भी ये चुनाव लड़े थे, विधायक भी रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, अब एक बार फिर इन पर भरोसा जताया गया है, इनको टिकट दिया गया है। और इसी तरह से पांवटा साहिब से किरनेश जंग, ये भी पूर्व विधायक हैं, 2017 में भी प्रत्याशी रहे हैं, इनको यहाँ फिर से जो है यहाँ पर उतारा गया है। और विधायक जगत सिंह नेगी जो किन्नौर से संबंध रखते हैं, हालांकि पहले जो पार्टी ने निर्णय किया था कि किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर एक तरह से विरोध के सुर जो है वो सुनाई दिए थे। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने खुलेआम विरोध किया था और अब जानकारी है कि दिल्ली में दोनों को बुलाने के बाद जो है उनके बीच में सहमति बनाई गई और ये कहा गया कि इस बार मौका जगत सिंह नेगी को ही देना चाहिए, क्योंकि पहले ही निर्णय लिया जा चुका है पार्टी की तरफ से कि सिटिंग विधायक के टिकट नहीं कटने हैं। तो अब यहाँ से जगत सिंह नेगी चुनाव लड़ेंगे और संभवतः 25 तारीख को, क्योंकि एक ही दिन बचा है तो उस दिन नॉमिनेशन होने हैं। लेकिन एक सीट जो हमीरपुर है उस पर मंथन का दौर इस वक्त चला हुआ है कि किसे यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी
ने लगभग फाइनल कर दिए हैं 67 सीटों पर नाम, और उसमें अब एक सीट बचती है, उसका भी शाम तक या कल सुबह तक जो है नाम तय हो जाएगा और उसके बाद अब चुनावी समर जो है वो शुरू होने वाला है। जी चलिए, एक तरह से देखा जाए प्रदीप, तो अब 4 सीट है जिन पर मंथन चल रहा था, अब नाम का ऐलान हो गया है। अगर हम कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों की अगर हम तुलना करते हैं तो कांग्रेस ने पुराने लोगों पर ही ज्यादा भरोसा जिताया है, लेकिन बीजेपी में काफी नए चेहरे शामिल हैं, तो कहां पर पड़ना भारी ज्यादा नजर आ रहा है और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं इन 4 सीटों पर जिनके ऐलान अभी हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा ने पहले ही अपने 68 सीटों पर जो है कैंडिडेट उतार दिए थे और नॉमिनेशन भी वहां पर हो चुके हैं, सभी ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा विरोध जो है भाजपा को काफ़ी सीटों पर झेलना पड़ रहा है, लगभग 7 से 8 सीटें ऐसे जहाँ पर बगावत खुलेआम हो चुकी है, निर्दलीय वहाँ पर चुनाव मैदान में जो है कैंडिडेट उतर चुके हैं। कुछ सीटों पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, जैसे कुल्लू की सीट है, वहाँ से महेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है, लेकिन राम सिंह जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं 2012 में, उन्होंने खुला विरोध कर दिया है। बैठक वो करने वाले हैं अपने वर्करों के साथ, उसके बाद तय करेंगे कि अगला स्टेप उनका क्या रहेगा। ऐसी ही बहुत सारी सीटें हैं जहां पर भाजपा को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बगावत भी और नाराजगी भी यहां पर झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस करती भी है कि जो मौजूदा विधायक होते हैं उनको रिपीट किया जाता है, जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं या कम मार्जिन से जीते हैं उनको भी रिपीट किया जाता है, लेकिन कई बार कांग्रेस में इस बार भी देखने को मिला, जैसे 4 सीट है वहां पर दयाल प्यारी जो नई जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आई थी उनको टिकट दिया गया है, 3 बार से हारे हुए यहां पर गंगूराम मुसाफिर है, उनका टिकट जो है यहां पर काटा गया है। चिंतपूर्णी में ऐसा ही देखने को मिला कि लगातार हारते आए कुलदीप कुमार, उनका टिकट काटा गया। तो ये कांग्रेस ने कोशिश की कि जहां पर ज्यादा बार या ज्यादा मार्जिन से हारे हैं क्यों ना उनके टिकट काटकर नए लोगों को दिए जाए। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, हमेशा प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट करती है भाजपा, इस बार भी ऐसा ही किया गया है। 10 के करीब सिटिंग विधायक के जिनके टिकट काटे गए हैं और दूसरी तरफ जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं उनके भी टिकट यहां पर काटे गए हैं, या फिर वो कितने भी मतों से जीते हो, चाहे कम मत से जीते थे, ज्यादा मत से जीते थे, क्षेत्र समीकरण बनाने की कोशिश यहां पर की गई है, नए लोगों को मौका दिया गया है। और ये भी देखने में आया कि जो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उनको भी काफी सारे लोगों को टिकट इस बार यहां पर मिले हैं। हालांकि पिछले चुनावों में हमने देखा कि एबीवीपी का ज्यादा प्रभुत्व रहा था, इस बार एबीवीपी का थोड़ा कम प्रभुत्व है, लेकिन जो संगठन से जुड़े लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर वो आरएसएस से बैकग्राउंड से जुड़े रहे हैं, उनको यहां पर ज्यादा उन पर भरोसा जताया गया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो बगावत के सुर दोनों पार्टियों में इस पक्ष सुनाई दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, 29 अक्टूबर को अंतिम दिन है नॉमिनेशन वापिस लेने का, जिसने पर्चा जो है वापिस लेना है, तो ऐसे में उस दिन तक क्या रणनीति अपनाती है सभी पार्टियां, क्योंकि उसके बाद जो है आमने सामने वाली लड़ाई होगी, चाहे निर्दलीय मैदान निर्दलीय जी। और एक सीट पर अभी भी नाम का ऐलान होना बाकी है, ठीक कह रहे हैं आप। अब कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में जो स्थिति है, अब वाकई ये नजारा देखने को मिल रहा है कि अब चुनावी बिगुल जो है बज चुका है हिमाचल प्रदेश में।